नमस्कार। आज हम भैरवी थाट की बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं हमेशा, हमारा बेस थाट बिलावल है, सभी स्वर शुद्ध हैं। एक स्वर कोमल यानी के निषाद कोमल, खमाज थाट की उत्पत्ति हो जाती है। निषाद के साथ गंधार और कोमल कर दें यानी कि दो कोमल स्वर निषाद तथा गंधार, काफी थाट की उत्पत्ति हो जाती है। तीन स्वर कोमल कर दें, इसमें एक और स्वर धैवत जोड़ दें यानी कि गंधार धैवत तथा निषाद स्वर, तो हमारे पास असावरी थाट की उत्पत्ति हो जाती है। आज का हमारा थाट है भैरवी, इसमें चार स्वर कोमल है, ऋषभ को और ऐड कर दिया गया है। इस तरह हमारे पास रे गा धा तथा नी चार स्वर कोमल है, तो इससे हमारे पास भैरवी थाट की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम इसका थाट का अरोगा लेते हैं यानी कि स्वर लगा लेते हैं। ये हमारे पास भैरवी थाट के स्वर आ गए। अब हम भैरवी राग की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इसका थाट भैरवी है, तो भैरवी राग में चार स्वर रे गा धा तथा नी कोमल है। दूसरे शब्दों में कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भैरवी में सभी स्वर कोमल लगते हैं। इसका कारण ये है कि या तो उन स्वरों की अवस्था कोमल है या वो स्वर केवल शुद्ध है, उनकी दो अवस्थाएं नहीं होती जैसे कि षड्ज तथा पंचम, तो या ऐसा स्वर जिनकी दो अवस्थाएं हैं लेकिन वो अपनी जो नीचे की अवस्था है, सबसे लोएस्ट अवस्था है, उसमें प्रयोग किया जाता है, तो इस हिसाब से सातों के सातों स्वर अपनी मिनिमम जो कम स्थान है यानी कि नीचे का स्थान है उसमें प्रयोग होते हैं। इसलिए इसमें सातों स्वरों का यानी कि सभी स्वर कोमल लगते हैं, ऐसा भी कहने का प्रचार जो है रिवाज है, ऐसा भी कहने का रिवाज है। तो गाने बजाने में भैरवी में सभी स्वरों का शुद्ध कोमल तीव्र 12 के 12 स्वरों के प्रयोग का भी प्रचलन है, और इतना खूबसूरती से करते हैं विद्वान लोग, कलाकार लोग, कि महसूस तक नहीं होता कि भैरवी से हम कहीं और जा भी रहे हैं, लेकिन केवल भैरवी का ही एहसास होता रहता है। तो भैरवी के आरोह तथा अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग होता है, उस हिसाब से इसकी जाति जो है संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है। इसका वादी स्वर शुद्ध मध्यम तथा समवादी स्वर षड्ज माना जाता है। इसके गाने बजाने का जो समय है वो दिन का पहला पहर प्रथम प्रहर मानते हैं। अब हम भैरवी राग का आरोह अवरोह तथा थोड़ा चलन के स्वरों को लगा लेते हैं। सा रे गा मा पा
इसके बाद हम भैरवी राग की एक बहुत ही पुरातन और प्रचलित बंदिश जो ठुमरी अंग में है उसका स्थाई अंतरा आप जी के साथ साझा करेंगे। इसके बोल हैं, बाजू बंद खुल खुल जाए, सांवरिया ने ऐसा जादू डाला। अंतरे के बोल हैं, जादू की उड़िया भर भर मारी, काकरे वैद बेचारा, बाजू बंद खुल खुल जाए। इसके बाद हम इस बंदिश का गायन यथा बुद्धि श्रवण करते हैं। धन्यवाद। Yeah.
Yeah.